दोस्तों यार LG इंडिया के अंदर लेके आ गया है अपना और एक नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो कि है LG का V40 थिंक यू, जिसके लिए आप कर रहे थे थोड़ा सा इंतजार। तो फाइनली LG ने आज इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है अपना V40 थिंक यू को। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार आइए देखते हैं कैसा है ये फोन, क्या है इसका स्पेसिफिकेशन, क्या है इसमें खास फीचर्स, क्या है इसका प्राइस और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है इसी LG की V40 थिंक यू को लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिंग एस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार दिल से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो छोटा वाला नोटिफिकेशन बेल है उसको भी लाजमी से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यार सबसे पहले हम बात करते हैं LG V40 थिंक यू की लुक्स और डिज़ाइन को लेकर। दोस्तों यार अगर हम कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने जाते हैं उसका लुक्स और डिज़ाइन काफ़ी मैटर करते हैं, राइट। तो LG V40 थिंक यू के ऊपर आपको मेटल और ग्लास का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाती है जो आता है 3-4 कलर वेरियंट के साथ। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है और फ़ोन काफ़ी सॉलिड भी है। तो बात करें फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस को लेकर, तो फ्रेंड्स यार LG V40 थिंक यू के अंदर आपको एक एवरेज सा मतलब कि स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है जो हर एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आता है, मिड रेंज फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती है। तो LG V40 थिंक यू की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेंड्स यार सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले से। तो दोस्तों यार इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 6.4 इंचेस का फुल क्वाइट HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक OLED स्क्रीन 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ एक रेक्टेंगल नॉच डिस्प्ले, मतलब कि जो आईफोन 10 के अंदर आपको नॉच देखने को मिला था वही नॉच आज LG यूज़ कर रहा है अपने नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन के ऊपर। बात करें फोन की स्टोरेज को लेकर, तो दोस्तों यार इस फोन के अंदर आपको फिलहाल एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाती है जो आता है 6GB का रैम 128GB वाला वेरिएंट। तो बात करें फोन की OS को लेकर, तो फ्रेंड्स यार LG V40 थिंक यू के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स, जो आजकल बात चल रही है एंड्रॉयड क्यू की। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार सभी स्मार्टफोन के अंदर हमें लगभग नए स्मार्टफोन के अंदर एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिल ही रहा है और ऐसे में LG का फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर हमें वही ओरियो देखने को मिल रहा है। तो बात करें फोन की कैमरे को लेकर, तो फ्रेंड्स यार इस फोन का जो मेन हाइलाइटिंग फीचर है वो है इसका कैमरा, जिसके अंदर आपको 5 कैमरा मिलता है। ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप है जिसके अंदर आपको मिलता है 12+12+16 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप, जो मिनिमम एपरेचर है वो है F1.5 का और जो हायर एपरेचर है वो है F1.9 का। और साथ में आपको ड्यूअल फ्रंट कैमरा मिलता है जिसके अंदर आपको मिलता है 8+5 मेगापिक्सल के ड्यूअल सेल्फी कैमरा जो आता है F1.5 एपरेचर के साथ और F1.8 एपरेचर के साथ। जो यूज़ किया गया सेकेंडरी कैमरा सेल्फी कैमरे के अंदर वो है वाइड एंगल लेंस के लिए। तो फुल व्यू डिस्प्ले के साथ साथ आपको वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल रही है, राइट। तो फ्रेंड्स यार बात करें फोन की बैटरी को लेकर, तो दोस्तों यार LG V40 थिंक यू के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है 3300 mAh की बैटरी जो सपोर्ट करता है क्वालकॉम की फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग दोनों को ही, क्योंकि इसके अंदर आपको ग्लास बैक फिनिश देखने को मिल जाती है। तो बात करें फोन की प्रोसेसर को लेकर, तो फ्रेंड्स यार इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 845 वाला चिपसेट, जो जिसका ट्रेंड 2018 में खत्म हो गया था और आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन में हमें शायद 855 वाला चिप से देखने को मिल जाएगी 5G कनेक्टिविटी लेके आएगा। तो ऐसे में LG ने लॉन्च कर दिया है 845 के साथ। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार जो स्पेसिफिकेशंस है वो एवरेज ही है। तो दोस्तों यार ये है पूरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन LG V40 थिंक यू की। तो बात करें फोन की कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को लेकर, तो फ्रेंड्स यार सबसे पहले आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, साथ में आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, साथ में आपको 18 वाट का क्विक चार्ज का सपोर्ट मिलता है, साथ में आपको ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट मिलता है, डुअल GPS मिलती है, अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले मिलती है और साथ में जो बेसिक सारे सेंसर्स और फीचर्स वगैरह है इस फोन के अंदर शामिल है सिर्फ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को छोड़ के। तो बात करें फोन की मेन हाइलाइटिंग चीज वो है इसका प्राइस। तो फ्रेंड्स यार इस फोन का जो प्राइस है करीब रखा गया है 50,999 रुपया, तो करीब आता है 50,000 में। तो फ्रेंड्स यार बात करें मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन की, तो ऐसे में फ्रेंड्स यार फोन का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। अगर 50,000 में आपको 845 वाला चिपसेट ही लेना है तो मार्केट में और भी 10 ऑप्शन आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार इस फोन से आप दूरी रहिएगा तो ही बेटर होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको एवरेज सा ही स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में फ्रेंड्स यार आप क्या सोचते हो LG V40 थिंक यू के लेकर, जो भी है आपके मन में दिल की बात प्लीज़ लिख डालिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों यार बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक किए बगैर मत जाइएगा और अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिंग एस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता ही रहता हूँ। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।